सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा साल्यान, जिनका निधन 8 जून की तारीख को हुआ था। जिस दिशा के निधन के बाद अपने घर पर अपने बांद्रा स्थित अपार्टमेंट में इस सदमे में सुशांत बेहोश हो गए थे। इतना बड़ा उन्हें सदमा लगा था कि वो गिर गए थे फर्श पर और बेहोश हो गए थे। और दिशा के ही निधन के ठीक 5 दिन बाद सुशांत ने इतना बड़ा कदम उठाया, वो खुद चल बसे। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ये इन्फॉर्मेशन इंटरोगेशन के दौरान सीबीआई जांच में देने वाला सुशांत का अपना रूमी सिद्धार्थ पिठानी ही था जिसने ये बात बताई थी। आज सिद्धार्थ पिठानी, जिसकी सारी सच्चाई सामने आई, जिसने सुशांत और दिशा के कनेक्शन पर बात की, जिन्होंने कहा दिशा के गुजरने पर सुशांत बहुत घबराए हुए थे। उनके फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत इतने घबराए हुए थे कि ना सिर्फ उन्हें पैनिक होने पर बेहोश होते हुए देखा गया, बल्कि उशाने पर वो कहते रहे कि सब उन्हें फंसा देंगे, लोग उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो इस तरह से आखिरी बार बहुत घबराए हुए नजर आ रहे थे। इस मामले पर आपको बताना चाहेंगे कि इसके बाद ही तो दिशा साल्यान की केस की सीबीआई जांच की मांग की गई, लेकिन अफसोस बड़ी बुरी खबर आई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा साल्यान के निधन की जांच पर सीबीआई जांच की रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया, यानी कि सीबीआई जांच अब नहीं होगी। सुशांत की मैनेजर रह चुकी दिशा साल्यान के गुजरने की वजह क्या थी, इस पर कोर्ट की निगरानी में सीआईबीआई जांच की रिक्वेस्ट वाली याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है, जिसे मुंबई पुलिस ने समेटा। उस केस को मुंबई पुलिस तक ही अब समेत रहते हुए आप देखेंगे सुशांत क्यों घबराए हुए थे, क्यों डरे हुए थे, सुशांत दिशा को लेकर क्यों परेशान थे, क्यों वो बेहोश हो गए थे, वो क्यों आँखें गिरा रहे थे, किस चीज़ के लिए, इस पर का सवालों का जवाब अब मुश्किल लगता है मिलना। गौरव मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति जी एस कुलकर्णी की खंडपीठ ने इस बात की जानकारी दी कि याचिकाकर्ता दिल्ली स्थित अधिवक्ता पुनीत डांडा का मामले से कोई रिश्ता नहीं है, लोकल स्टैंडआई है। इस कारण से दिशा साल्यान के केस में कोई गड़बड़ी है या नहीं, इस पर परिवार ही कानून के अनुसार उचित कदम उठा सकता है, कोई तीसरा नहीं उठा सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।